12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ को मैंने दो प्रकार से बताया था। एक तो बताया था जे इक्वल टू सिग्मा ई के रूप में, जहां सिग्मा कंडक्टिविटी था और ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसी को तोड़ने पर बी इक्वल टू आई आर आया था, या भी प्रोपोर्शनल टू आई फेयर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद होगा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस के बारे में पिछले क्लास में जान चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, यानी आर का बदलाव टेम्परेचर के साथ कैसे हो रहा है। तो आर रेजिस्टेंस का बदलाव टेम्परेचर का करने के लिए आर इक्वल टू तो रो एल वाई होता है, तो L और A तो टेम्परेचर से बदलने वाला नहीं है फिलहाल, इसको हम फिक्स मानते हैं। तो रो कैसे बदल रहा है उसी हिसाब से R बदलेगा। तो रो कैसे बदल रहा है यानी रेजिस्टिविटी कैसे बदल रहा है आज हम वो देखने जा रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, तापमान के साथ रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कैसे बदलता है वो देखने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं वी हैव सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाय टू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इस टी का मान टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में पुट कर देगा तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ई बाय टू एम, और टी का मान होता है लेमडा बाई वी टी एच। कल हम बताए होंगे लेमडा मीन फ्री पाथ बटा थर्मल वेलोसिटी वी टी एच। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि रेजिस्टिविटी रो जो ये तो कंडक्टिविटी है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है वन बाय कंडक्टिविटी। पिछले क्लास में हम लोग देखे होंगे वन बाय कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होता है, यानी इसको उलट दीजिए टू एम वी टी एच डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ई बाई लैम्डा, ये हमारा रेजिस्टिविटी बराबर हो गया। अब देखिए रेजिस्टिविटी इक्वल टू टू एम वी टी एच डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ई लैम्डा है। अब यहां से हम सोचना शुरू करते हैं, मेटल या कंडक्टर में प्रायः फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n, यहां पहले मैं लिख पर चर्चा कर देता हूं, वेयर n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और वी टी एच जो हमारा है वो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए मेटल और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी एन पहले से प्रेजेंट होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। एन तो पहले से है ही, एन बढ़ेगा नहीं, बस थर्मल वेलोसिटी बढ़ने लगेगा जिसके वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ने लगता है। मेटल और कंडक्टर में, धातु और सुचालक चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से होता है जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल वेलोसिटी बढ़ने लगता है, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने की वजह से रो का मान बढ़ने लगता है यानी रेजिस्टिविटी बढ़ने लगता है, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। बात समझ रहे हैं? इन मेटल एंड कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एंड हेंस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर थर्मल वेलोसिटी वी टी एच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज
एंड हेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज, रेसिस्टिविटी बढ़ता है। देखिए इन मेटल एंड कंडक्टर, यानी धातु और सुचालक चीज, कंडक्टर मतलब सुचालक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, एंड हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल मतलब हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहां एन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां एन लिख देता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन आर अवेलेबल, एंड हेंस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है, दैट इज रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। जबकि दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, अर्धचालक या कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो नहीं के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो नहीं के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा, यानी पहले एन डेवलप करेगा, पहले एन डेवलप करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा, तब उसका थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहां एन भी बढ़ेगा और वीटीएच भी बढ़ेगा, लेकिन एन तेजी से बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट होगा, इसलिए वीटीएच बाय एन का मान कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टिविटी का मान घटता है, अर्थात रेजिस्टेंस घटता है। यानी अर्धचालक और कुचालक में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ता है, देख रहे हैं ना। इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक एंड इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल और अवेलेबल इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में, सो विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ फर्स्ट एन, एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन इंक्रीजेज एंड देन वीटीएच इंक्रीजेज। वीटीएच मतलब थर्मल वेलोसिटी, बट एन इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली, तेजी से, देन वीटीएच, दस द रेशियो वीटीएच वाई एन डिक्रीजेज एंड हेंस वीटीएच वाई एन का मान घटेगा, तो रो क्या होगा, एंड हेंस रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एंड हेंस रेसिस्टिविटी रो डिक्रीजेज, दैट इज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। देख रहे हैं, बात पकड़ रहे हैं। एक और जहां मेटल या कंडक्टर होने पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है, सॉरी रेजिस्टिविटी बढ़ता है, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी का मान घटता है, यानी रेजिस्टेंस घटता है, अर्थात कंडक्टिविटी बढ़ता है। ये कैसे हो रहा है,
दोनों का बीच का अंतर, उसके भीतर का मैकेनिज्म क्या है? तो आपने मैकेनिज्म देखा कि मेटल या कंडक्टर में एन पहले से प्रेजेंट था, तो हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ गया, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने के बाद से रो का मान बढ़ गया। जबकि इंसुलेटर मतलब कुचालक और सेमी कंडक्टर में एन या तो नहीं था या बहुत कम था, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो पहले एन क्रिएट हुआ तो एन का मान बढ़ा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसका थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन एन का मान यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्रिएट हुआ थर्मल वेलोसिटी रिस्पेक्ट में, इसलिए VTH बाय N का मान घटा, यानी रेजिस्टिविटी घटा अर्थात रेजिस्टेंस घटा अर्थात कंडक्टिविटी बढ़ा। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बताने जा रहे हैं जिससे कि कितना टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टिविटी होगा अर्थात रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी अगर जान लेंगे तो उससे रेजिस्टेंस भी जान लेंगे। इसके लिए हम एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, आइए देखिए। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन एम ए चेंज इन टेम्परेचर। एक तो निर्भर करता है यह चेंज इन टेम्परेचर पर, और दूसरा में बी में एंड इनिशियल रेसिस्टिविटी। दैट इज, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी यानी डेल्टा रो रेजिस्टिविटी में चेंज, ये समानुपाती होता है चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा। थीटा यहां टेम्परेचर में चेंज बता रहा है, मैं लिख देता हूं मैं डेल्टा थीटा। और इनिशियल रेजिस्टिविटी मान लीजिए शुरू में कुछ हो, इनिशियल को मैं आर आई लिख देता हूं इनटू रो आई, रो आई, या रेजिस्टिविटी फाइनल माइनस रेजिस्टिविटी इनिशियल, चेंज मतलब ये हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। इस प्रोपोर्शनल के चिप में रहने दीजिए एक मिनट, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है, प्रोपोर्शनल चिप हटाएंगे इक्वल एक कॉन्स्टेंट आएगा, यहां एक अल्फा आ गया। अब क्या सर ये प्रोपोर्शनल लगता है? नहीं, ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है और ये अल्फा है, अल्फा ए एल एफ ए अल्फा, डेल्टा थीटा इंटू रो है, हुआ अल्फा है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसलिए देखिए चेंज यानी फाइनल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है रो एफ मतलब फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी हुआ इक्वल टू अल्फा चेंज इन ये डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा थीटा का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये हुआ इसका थीटा एफ माइनस थीटा है। यानी रो एफ इक्वल टू रो आई प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रो आई। यहां से देखिए आप रो एफ इक्वल टू रो आई दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्या बचा गया? वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। रो एफ इक्वल टू रो आई इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
इसका मान रहा है, प्रॉब्लम में दिया रहेगा या निकालना रहेगा तो डाटा देगा। ओके, यहां पर खास बात सीख लीजिए, अल्फा का मान जो है, अल्फा इज एट टेम्परेचर थीटा आई, ये अल्फा हमेशा थीटा आई टेम्परेचर पर लेना है। इफ थीटा आई इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री सी, देन रो एफ यानी फाइनल रेजिस्टिविटी बराबर रो जीरो जीरो डिग्री सी पर इंटू वन प्लस अल्फा, और देखिए सिर्फ थीटा जो फाइनल टेम्परेचर वो रह जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो माइनस जीरो हो गया ना, यानी रो एफ यानी रेजिस्टिविटी फाइनली जो होगा वो जीरो डिग्री पर जो रेजिस्टिविटी है इंटू वन प्लस अल्फा, और जो फाइनल टेम्परेचर जीरो से बढ़कर हो गया है वो टेम्परेचर मात्र। बात पकड़ रहे हैं? इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूं, रो आई ये क्या है, वन प्लस अल्फा ये थीटा है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर हमने इनिशियल को जीरो डिग्री लिया है तब ये चीज ऐसे लिखाया है, ये ध्यान रखना है। अल्फा किस टेम्परेचर पर होगा, तो जो यहां का यानी शुरुआती रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर, जैसे अगर जीरो डिग्री है तो जीरो डिग्री अल्फा का मान, अगर दस डिग्री है इनिशियल टेम्परेचर तो अल्फा का मान दस डिग्री सी पर, वो अलग अलग टेम्परेचर पर अल्फा का मान अलग अलग होता है। बात समझ रहे हैं? एक फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला हुआ, इसको एक्सप्रेशन जीरो डिग्री पर करके ऐसा करोगे। यहां से दो बातें निष्कर्ष निकलती है, एक बात यहां से देखिए, यहां से हम कह सकते हैं, इसको हम कुछ नाम देते, मान लीजिए वन, ये खत्म हो चुका है हमारा, नीचे में बात कर रहा हूं फ्रॉम वन। यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा रो बट्टा रो आई इंटू डेल्टा थीटा, ये हमारा एवरेज वैल्यू है अल्फा का, एवरेज ऐसे करता हूं, सीधे अल्फा जानना है हमको, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो वन बाय रो आई डेल्टा थीटा वाई डेल्टा रो बाय डेल्टा थीटा, यानी अल्फा इक्वल टू वन बाय इनिशियल को सीधे रो ले देता हूं, सीधे रो ये वास्तव में इनिशियल है इंटू डी रो बाय यहां पर सीखने वाली बात है टेम्परेचर थीटा क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी का मान बढ़ता है मेटल में, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा तो अल्फा पॉजिटिव होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में थीटा बढ़ने पर रो घटता है तो अल्फा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड कंडक्टर और अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जरा गौर से सारे प्रक्रिया को समझने का प्रयास करिए, हमने क्या कहा भी कि थीटा यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है मेटल में और कंडक्टर में, तो ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, से अल्फा पॉजिटिव हो गया, लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो घटेगा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए अल्फा नेगेटिव हो गया। हम इस पर एक उदाहरण दिखाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हम आपको समझाए थे कि इस प्रकार से रेजिस्टिविटी का मान टेम्परेचर से बदलता है। एक बार मैं थोड़ा सा लिखता हूं, देखिए हम आप पढ़ा थे कि रेजिस्टिविटी फाइनल टेम्परेचर पर यानी एफ बराबर रेजिस्टिविटी इनिशियल टेम्परेचर पर इंटू वन प्लस अल्फा अ चेंजिंग टेम्परेचर, ये मैंने बताया था, यानी थीटा एफ माइनस थीटा आई। अब देखिए, और मैंने बहुत जोर देकर समझाया था कि अल्फा उसी टेम्परेचर पर होगा जो इस इनिशियल टेम्परेचर का मान होगा, मेरी बात को ठीक सुनिए, अल्फा उसी टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर जो इनिशियल टेम्परेचर होगा, अगर मान लीजिए नहीं है तो सवाल में उसको उस रूप में लाना पड़ता है, ऐसा लाना पड़ता है। अभी फिलहाल देखिए आप, ये तो रेजिस्टिविटी हुआ,
इसी को हम लेवाड़ के लेंथ से और एरिया से गुना कर देगा, एल वाई इसमें उत्तर गुना कर देगा, कोई दिक्कत? बोलिए, लेंथ बाय एरिया गुना कर दो उत्तर, रो एल बाय ए क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रो फाइनल लेंथ बाय ए यानी रेजिस्टेंस फाइनल बराबर रेजिस्टेंस इनिशियल इनटू वन प्लस अल्फा। नीचे पे देखिए ये किस तरीके से ये रो वाला फॉर्मूला आर के रूप में बदल गया। देखिए अब बनाते सवाल, क्वेश्चन पे आते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विल बी डबल ऑफ दैट एट जीरो डिग्री सी। देखिए जीरो डिग्री सी पर इनिशियल टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है जीरो डिग्री सी, उस पर रेजिस्टेंस जो हमारा है जीरो डिग्री सी पर जो वो मान लीजिए कि आर है, तो करेक्ट बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ताकि रेजिस्टेंस जो हमारा फाइनल है वो दुगुना हो जाए इनिशियल की, इनिशियल की यानी इनिशियल जीरो डिग्री पर यानी टू आर हो जाए हमारा, दुगुना हो जाए शुरुआती रेजिस्टेंस, शुरुआती रेजिस्टेंस जीरो डिग्री पर है कितना है आर, इसके लिए क्या होगा थीटा, और अल्फा का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर डिग्री सी एट जीरो डिग्री सी। और देखिए अल्फा जीरो डिग्री सी पर दिया हुआ है तो क्या आपका जो इनिशियल टेम्परेचर जीरो डिग्री सी है, हाँ है, देखिए ना अल्फा जीरो डिग्री पर दिया हुआ है और इनिशियल टेम्परेचर भी जीरो डिग्री पर है, दोनों मैच कर गया यानी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर नहीं मैच करता तो इस अल्फा को उस इनिशियल टेम्परेचर पर लाना पड़ता, लाना पड़ता, समझ रहे हैं ना। देखिए तो क्या होगा, आर फाइनल बराबर आर इनिशियल इंटू वन प्लस अल्फा टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनल आर कितना होना है, इनिशियल का दुगुना, दुगुना है किसका, इनिशियल का यानी टू आर होना है, और इनिशियल रेजिस्टेंस यानी शुरुआती टेम्परेचर कितना है आर, वन प्लस अल्फा कितना है अल्फा 4 10 to the power -3। अच्छा चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर तो जानना है जिसको थीटा मान लिया है, अब शुरुआती टेम्परेचर जीरो है माइनस जीरो, चेंज इन टेम्परेचर सॉल्व कर दिए, आर से आर कट जाए 2 = 1 + 4 × 10⁻³ θ। सो इधर ले 1 = 4 × 10⁻³θ यानी थीटा इक्वल टू यानी फाइनल टेम्परेचर होगा कब 1/4 × 10³। इसको हम एक जीरो रख दें 10/4 × 10⁻² °C यानी 2.5। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते थे, एक जीरो लिया था 250 °C, इसे हम पावर को लिख दिए, समझ में आया, नोट कर लीजिए। हमने एक और एग्जांपल लिख लिया है, इसमें देखिए क्या है खास बात, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज 90 ओम एट 20 °C यानी हमको इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 90 ओम है एट एट इनिशियल टेम्परेचर कहिए 20 °C पर दिया हुआ है, और व्हाट वुड बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स टेम्परेचर बिकम्स, और रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर 60 °C हो जाए। टेम्परेचर को फिजर अल्फा को मान में दिया हुआ है 4.28 × 10⁻³ पर डिग्री सी एट 0 °C। यहां देखिए इनिशियल के टेम्परेचर 20 °C है और यहां अल्फा आपको जीरो पर है, मैच कर रहा है क्या, नहीं ना, आपको याद सीधे धड़ाक से फोन लगा देगा, गलत हो जाएगा, यही इसकी विशेषता है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम 0 °C पर काम करना शुरू करेंगे, कैसे हम काम करेंगे ध्यान दीजिए, हम ऐसे लिखेंगे, एक बार थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम इसको आई और एफ को जगह पर हम यहां पर इनिशियल जो है उसको हम 20 °C लिख देते ताकि आपको समझने में सुविधाजनक हो, 60 °C पर 20 °C पर 90 ओम 60 °C पर क्या होगा, ये जानना है
ध्यान से लिखते हैं, आर 20 डिग्री सी पर और आर शुरुआत की मान लीजिए 0 डिग्री सी, यहाँ इनिशियल हमने 0 डिग्री लिया, तो अब 0 लिया यहाँ पर तो हम तो 0 वाला अल्फा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब इनिशियल यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया तो 0 डिग्री वाला अल्फा तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, 1 प्लस ये अल्फा 4.28 × 10⁻³ चेंज इन टेम्परेचर 20 माइनस 0 फाइनल टेम्परेचर 20 माइनस इनिशियल 0 यानी क्या हो गया 20। ये हमारा एक क्वेश्चन है, सो थोड़ा और सोचिए, आर 20 डिग्री का मान डाल दीजिए कितना है, रन कर दीजिए इसको, क्वेश्चन ऑन कह देते हैं। इसी प्रकार से आर 60 डिग्री सी पर आर 0 डिग्री सी इंटू 1 प्लस, अभी भी यहां पर हमने इनिशियल 0 ले लिया है यानी 0 वाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं हम एक बार में ऐसा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं 60 बराबर आर 20 ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा लिखने पर हमको अल्फा जो है वो 20 डिग्री सी पर चाहिए जो कि हमको नहीं है, 0 पर है, तो हमको हर बार यहां पर 0 रखना होगा, तो हर बार हम 0 डिग्री सी ले रहे हैं और 60 माइनस 0 यानी 60। अब हम 2 को डिवाइड कर दे 1 से क्या हो जाएगा, यहां पर आर 60 60 डिग्री पर ये तो जानना है मुझे, और आर 20 पर कितना है 90 ओम, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे 1 प्लस 4.28 × 10⁻³ इंटू 60 तो है ही, और इस नीचे वाला को जो ऊपर ले जाइएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 4.28 × 10⁻³ इंटू 20 ऊपर जाए तो पावर माइनस 1 हो जाएगा इस पूरे पर, एक एक और से पावर माइनस 1 हो गया, दिख रहा है आपको माइनस 1 पावर हो गया, मेरे पास जगह कमी हो गया इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं ऊपर माइनस 1 हो गया, और बाइनरी एक्सपेंशन में आप जानते होंगे कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन हो 1 प्लस एन एक्स होता है, बशर्ते कि एक्स बहुत छोटा हो 1 से, ऐसा आप जानते होंगे, मैं लिख दिया हूं ऐसा आप जानते होंगे, तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए आर 60 डीसी बटा 90 इक्वल टू, देखिए अब हम ये क्या होगा 1 प्लस 4.28 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 60 1 माइनस 4.28 × 10⁻³ इंटू 20, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए आर 60 डिग्री बराबर 90 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लिया जो आएगा वो गुणा करके वो आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यहां मैंने एक तरीका बताया, अब डायरेक्टली भाग देकर के निकाल सकते हो, यहां पर मैंने एक तरीका बताया, चूंकि 1 प्लस ये बहुत छोटा है माइनस 3 पावर है तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत छोटा होगा, इस वजह से हमने ऐसे कर दिया। ओके नोट कर लीजिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की पढ़ाई अगली क्लास में।